नमस्कार, आज हम शनि पर्वत के बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गुरु पर्वत पे डिटेल से बात किया था, आज हम शनि पर्वत पे बात करेंगे। शनि का पर्वत, पर्वत शब्द क्या होता है एक्चुअल में? पामिस्ट्री में पर्वत मतलब होता है एक उभार, जैसे कि आपकी ये जो उंगली है इसको बोलते हैं शनि की उंगली। जो नए हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि पामिस्ट्री पे वो पहला कदम रख रहे हो सकता है, तो आपको जानना चाहिए। ये जो बीच वाली उंगली उसको बोलते हैं शनि की उंगली, और जिसके नीचे का जो हिस्सा है जहाँ पे जनरली मांस की एक पोटली सी होती है, एक उभार सा होता है, जिसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। जो उभार है वो पर्वत की संज्ञा दी जाती है पामिस्ट्री में, ऐसा समझे आप। तो ये हो सकता है किसी का उभार हो, किसी का ना हो, किसी का दबा हुआ हो। तो जब दबा हुआ होगा तो आप समझिए कि आपका पर्वत खराब है, ठीक है। आपका अगर उभार सामान्य है, एकदम बिल्कुल फ्लैट है, उंगली की हाइट के बराबर आ रहा है, मैच करने से एकदम समतल सा लग रहा है, तो आप समझिए कि सामान्य स्तर का है। अगर लगता है कि उभार है तो समझिए कि आपका शनि उत्तम कंडीशन में है, पर्वत उत्तम कंडीशन में है। अब इसका फल क्या होगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शनि के क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। पहले शनि का क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन से गुण लेके चलता है, पहले शनि को समझो आप। शनि मतलब सनह सनह, धीरे धीरे चलने वाला, यानी कि आपके जीवन में कुछ भी चीज़ फास्ट नहीं होने वाला है, सनह सनह होगा, धीरे धीरे होगा। अब धीरे धीरे होगा तो पेशेंस आपके जरूर अंदर जरूर होगा। तो ऐसे लोग जिनका शनि अच्छा होगा या सामान्य स्तर का होगा, ऐसे लोगों के अंदर में पेशेंस अच्छा होता है, ऐसे लोग गंभीर होते हैं, ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं, ये इनका मुख्य नेचर होता है, ठीक है। ये शनि का मुख्य नेचर इनका हाथ में आपको देखने को मिलेगा। आप ये चीज़ तो बिल्कुल आपका पर्वत देख के ही समझ सकते हैं इसके अंदर में। बाकी कुछ बातें मैं मुख्य बातें आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे शनि का क्षेत्र बताता हूँ, आप एक चीज़ गौर कीजिए, उसके बाद में वो सब बिंदु को समाहित करते हुए मैं उसका क्षेत्र पे जाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कोई भी रेखा जाके शनि पे जाती है, कोई भी रेखा हो जो शनि पे जाके ख़त्म होती है, वो हमारी भाग्य रेखा कहलाती है ना। तो हमारी भाग्य रेखा जा क्या करती है, अभी इसमें बहुत सारा बना दिया मैंने, एक बना के बताता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये सीधा आपकी भाग्य रेखा शनि पे जाके ख़त्म हो रही, इसका मतलब आपने जीवन यहाँ से स्टार्ट किया, आपकी ये जवानी रही और ये जाके आपका बुढ़ापा आ गया। तो शनि के क्षेत्र में जाके आपका बुढ़ापा ख़त्म होता है, सोचने वाली बात है। तो शनि, इसीलिए शनि को बूढ़ा ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे बुढ़ापे के तरफ में इंडिकेट करता है। अभी क्या होगा, आपका बुढ़ापा कैसे रहेगा, आपको बुढ़ापे में सुख रहेगा कि नहीं, धन की स्थिति सही रहेगी कि नहीं, ये सारा चीज़ आप शनि से जाके देखोगे, ठीक है। दूसरा चीज़, शनि का पर्वत अगर किसी का उभार लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ मैं, ये आप बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको, और इसको आप अजमा के देखो अपने हाथ में। जिसका उभार है, मेरी बात गौर से सुनिए, जिसका ये पर्वत ज़्यादा उठा हुआ मिलेगा, ऐसे लोग जीवन में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, जैसे मैंने कहा ना सनह सनह, लेकिन ये फिर भी फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, 22 साल की उम्र में स्टेबल हो जाते हैं ऐसे लोग। अब क्या होता है, ये बढ़िया से प्रोग्रेस करते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर कुछ कारणवश एकदम अचानक से नीचे गिर जाते हैं, ये फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, लेकिन तीसरे बार जब उठते हैं तो बहुत ऊपर उठते हैं। तो अब ये है, इसके साथ में एक बड़ी विडंबना ये है, जिसका पर्वत थोड़ा ज़्यादा उभार होता है शनि का, यानी कि अति विकसित आपको पर्वत मिलेगा। तो ऐसे लोग जो है जीवन में दो बार कम से कम ऊंचाई से गिरते हैं। ऊंचाई से गिरने का मतलब कोई पहाड़ से गिरी ऐसा नहीं, मतलब एक मुकाम पे पहुंचते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद उनके जीवन में अस्थिरता आती, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है उनको, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, लेकिन तीसरे बार जो उठते हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस ऐसे लोग करते हैं, तो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं लोग। दूसरा चीज़, अगर आपका शनि अच्छा है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपका बुढ़ापा निरोग रहेगा। ये रोग की सूचना भी शनि से हम जाके देखते हैं। अब इसमें रोग क्या, कौन से मुख्य रोग आते हैं, शनि दो प्रकार के रोग लेके चलता है, आप जॉइंट पेन जनरली और आपका नस का प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम उनका शनि का आप देखोगे। तो अगर यहाँ पे किसी का बहुत सारा बारीक रेखा, बहुत ज़्यादा बारीक रेखा है, जाल जैसा दिख रहा है, ऐसे लोगों को नस का प्रॉब्लम देखा जाता है, या जॉइंट पेन से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोग तकलीफ पाते हैं। और आपकी भूत प्रेत बाधा, आपको बुरी नज़र, ये जादू टोना, ये सब जो चीज़ें हैं वो उससे प्रभावित है कि नहीं, वो भी यहाँ से शनि से देखा जाता है। यहाँ पे अगर बहुत सारी बारीक रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, एक जाल सा बन रहा है, ये भी इंडिकेट करता है कि आपको ऊपरी भूत प्रेत बाधा का शिकायत हो सकता है। ये ऐसा भी देखा जाता है भूत प्रेत बाधा को। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ ट्रायंगल बना हुआ है सुंदर सा,
हैं। तो शनि का पर्वत अगर अच्छा है, उस पर कुछ शुभ चिन्ह है, ट्रायंगल हो, फीस हो, कुछ भी हो, तो ऐसे लोग आप देखोगे ये तंत्र विद्या यानी कि शनि का क्षेत्र बता रहा हूँ मैं, एक साइंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसका क्षेत्र समझिए। आपका सार बात मैं समझाता हूँ, शनि आपकी तंत्र विद्या के तरफ में, अकल्ट साइंस के तरफ में रुझान को बताता है। जितना अच्छा पर्वत होगा उतना ज़्यादा रुझान होगा आपका। भूत प्रेत बाधा के तरफ में उसका जो दोषित अगर हाथ है, मान लो पर्वत दबा हुआ है, उस पर जाल है, तो ऐसे लोग भूत प्रेत बाधा पे पीड़ित हो जाते हैं। नेगेटिव साइड है उसका, तो मैं दोनों साइड बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, ठीक है। ऐसे लोग, ये शनि आपका मेहनत है, शनि आपके शरीर में, आपके स्वभाव में आपका मेहनत है, बड़ा मेहनती होता है शनि, तो ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं आपके जीवन में। जिसका पर्वत ज़्यादा उभार है ऐसे लोग को जल्दी सफलता है, मध्यम है तो बहुत मेहनती होता है इंसान, मेहनत से जी नहीं चुराता, मेहनत करते रहता है। लेकिन अगर ये दबा हो तब दबा हुआ रहता है, तो ऐसे लोग कामचोर होते हैं, ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग फिर धन की दृष्टि भी उतनी अच्छी नहीं होती, ऐसे लोग कर्ज में फंस जाते हैं। और कर्ज, ये जो अधिशनि पर्वत का दबा होना कर्ज को बताता है। अगर दबा हुआ पर्वत है, ऐसा आदमी कर्ज के झमेले में फंसता है। ऐसा आदमी भले ही अरबोपति हो, लेकिन फिर भी आप देखो, अब ये बड़ी ज़बरदस्त एक दिलचस्प बात बोल रहा हूँ मैं, जितने बड़े बड़े अरबपति हैं, बड़े बड़े अदानी अंबानी हैं, सब इनका काम किस में होता है, कर्ज में होता है। ऐसे लोगों का जनरली शनि का पर्वत आप देखोगे ना, बड़े लोगों का दबा हुआ रहता है। और बहुत रिक्शा चलाने वाले का भी शनि पर्वत दबा रहता है, बस अंतर ये भाग्य रेखा, उनकी भाग्य रेखा विशिष्ट होती है तो वो बहुत ऊपर जाते हैं, और इनकी बेचारे की भाग्य रेखा ही खराब होती है, इसलिए वो एकदम और नीचे गिर जाते हैं। तो ये बताता क्या है हमको सार बात, कर्ज, कर्ज की सूचना देता है अगर दबा हुआ शनि है तो, ठीक है। तो ये हमको पकड़ के चलना है, भाग्य रेखा, बाकी चीज़ें तो एडिशन है, तो अपने को मेन क्या है, कर्ज, कर्ज को लेकर चलना पड़ेगा। वैसे ही आप देखोगे ना, शनि हमारे जीवन में संतोष का कारक बनती है, बुढ़ापे में जाके आपको संतोष मिलेगा कि नहीं, ये जैसे मैंने बताया ये भाग्य रेखा है। लेकिन अगर शनि पे एक छोटी सी रेखा है जो शनि पर्वत पे ही है, इसको बोलते हैं संतोष की रेखा, तो शनि आपके जीवन में संतोष है, आपको जीवन में संतोष मिलेगा कि नहीं, आपने जो कर्म करना था कर लिया, बुढ़ापे में आपको संतोष मिलेगा कि नहीं, ये भी शनि से देखा जाता है। छोटी सी रेखा है, अगर आपको जीवन में ज़रूर संतोष मिलेगा, बस ध्यान रहे लंबी नहीं होनी चाहिए, फिर वो भाग्य रेखा हो जाएगी। शनि की रेखा मतलब शनि पर्वत पर होनी चाहिए छोटी रेखा, इसको बोलते हैं संतोष की रेखा, ठीक है। आपको अकल्ट साइंस पे, तंत्र मंत्र पे रुझान है, वो भी शनि से देखेंगे। आपको ध्यान विद्या हो गया, कुछ मेडिटेशन वगैरह हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब अकल्ट साइंस में आती हैं, ये सारे चीज़ हम शनि पे जाके देखते हैं। अब और क्या विशेष प्रकार की बातें हैं, अगर मान लो शनि का पर्वत उभार है, साथ में गुरु का पर्वत, ये तो मैं गुरु के वीडियो में भी बताया था, इस पे भी बता देता हूँ, दोनों अगर एक साथ उभार है तो बहुत श्रेष्ठ कंडीशन है। ऐसे लोग बहुत ऊंची लेवल की सफलता हासिल करते हैं, बहुत गंभीर नेचर होता है इन लोग का, बहुत चिंतनशील होते हैं, अच्छा सफलता हासिल करते हैं, जीवन अच्छा होता है, कर्म धर्मापति योग ऐसा बोल सकते हो ऐसे लोगों को, है धार्मिक भी होते हैं और कार्मिक भी होते हैं। दूसरा चीज़ आप देखोगे, अगर मान लो शनि का पर्वत है अच्छा, और लेकिन इधर झुका हुआ है, खिसक गया है इधर पे, सूर्य के साइड में खिसक गया है, तब क्या होगा, देखो सूर्य और शनि का कनेक्शन को अच्छा कनेक्शन हम नहीं मानते हैं। अब थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, सूर्य क्या है, एक्स्ट्रोवर्ट है, आप समझो, सूर्य तेज है, ओज है, एक प्रकाश है, वो एक्स्ट्रोवर्ट है, अपने आप को एक राजा है, वो दबा के रखना चाहता है दूसरों को, अपनी छवि दिखाता है। शनि उतना ही साई है, अंधेरा है, गुमनामी है, नीरस है, तो ये इंट्रोवर्ट नेचर है, इसका एक्स्ट्रोवर्ट नेचर है, ये अंदर की तरफ सोचता है, ये बाहर फैलने की तरफ सोचता है। जब इन लोग का कनेक्शन आपस में हो जाए तो ऐसा आदमी क्या होता है, अब ऐसा आदमी भी सक्सेसफुल होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सक्सेस नहीं कमाते, कब सक्सेसफुल होगा, दोनों पर्वत अगर समान उभार है तब बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मैच्योर किस्म के बंदे ऐसे लोग देखे जाते हैं, इनको उम्र से ज़्यादा लंबी उम्र के लोगों के साथ में बैठना उठना, बातें करना, उनकी जैसी सोच रखना, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अगर क्या हो, अगर सूर्य का पर्वत सामान्य हो, शनि का पर्वत ज़्यादा उठा और इधर खिसक गया, तब फिर प्रॉब्लम आएगा, तब ऐसे लोगों को पिता से मतभेद, बड़े भाई से मतभेद, अपने बॉस से मतभेद, जो भी पिता तुल्य हैं और जो प्रशासन से संबंधित लोग हैं, ऐसे लोगों से इनके जीवन में फिर परेशानियाँ आती हैं, ऐसे लोग इनके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं, या फिर बोलो कि ऐसे लोगों का जो संघर्ष है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ऐसे लोग फिर 36 साल के पहले प्रोग्रेस करते हुए देखे नहीं जाते, ऐसा भी शनि से आप देखते हो। कुछ और बातें हैं शनि से, जैसे कि कोई आत्महत्या कर लिया, ये सब चीज़ें, तो आदमी का आत्महत्या करने का रुझान भी शनि पे आके देखा जाता है।
शनि अगर पीड़ित है और उस पर अशुभ चिन्ह बने हुए हैं, जैसे क्रॉस बना है, शनि पे भाग्य रेखा गई, भाग्य रेखा पे ऐसा करके क्रॉस बन गया, वो भी शनि पर्वत पे बन गया, तो ऐसे लोग फिर आत्महत्या करने की तरफ में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। और यहीं पे मान लो आपकी आग से, अग्नि से या विद्युत से पीड़ा या एक्सीडेंट, ये सब को भी हम जाके शनि पे देखते हैं। अगर स्टार बन गया है शनि पर्वत पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को एक्सीडेंट, चोट चपेट का खतरा बना रहता है। वैसे ही अच्छा एक क्वेश्चन एक भाई ने अभी कल ही पूछा था, तो उसका भी मैं अब जवाब यहीं से देते चलूँ। मान लो किसी की ऐसी, इनका प्रश्न ये था, किसी की ऐसी रेखा हो ऐसे जो शनि से मंगल को कनेक्ट करे, तो इसका क्या फल होगा। देखिए ये रेखा के फल तो अनेक हो जाएंगे, अब इसमें सार बात मैं बताता हूँ आपको। शनि और मंगल ये दोनों जो अगर कनेक्टेड है ना, तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल बंदे होते हैं ऐसे लोग, कहने का मतलब टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं या फिर सिविल वगैरह जैसे कंस्ट्रक्शन वाला लाइन है ना, उसमें अच्छा इन लोग काम करते हैं। दोनों चीज़ें देखी जाती है, पहला चीज़ कब, जब रेखा अच्छी साफ सुथरी हो। अब एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, मान लो रेखा ऐसे गई, थोड़ी टूट टूट के चली है लेकिन बन तो रही है वहाँ से यहाँ तक, तब ये क्या होगा, फिर ये एक्सीडेंट कराएगा आपका। उस उम्र में आपके साथ में कुछ अनहोनी घटेगी, ऐसी अनहोनी जो या तो जैसे कोई नौकरी चल रहा है, नौकरी रुक जाए आपका, या फिर उस उम्र में आपका बहुत ज़्यादा बड़ा कोई तबीयत ख़राब हो जाए आपका, कोई भी प्रकार की अनहोनी जो जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ऐसा कोई घटना या एक्सीडेंट हो जाए आपका, ऐसा भी संयोग ये दिखाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। अगर रेखा साफ सुथरी है तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपको, आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी होगी आपकी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपका दिमाग चलता होगा टेक्निकल चीज़ों में। ऐसे लोग टेक्निकल एजुकेशन अगर करें तो बहुत अच्छा करते हैं, या टेक्निकल लाइन में काम करते हैं लोहे की प्लांट ये सब में, या फिर कुछ आईटी में, कोई भी प्रकार का इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो ये अच्छा करेंगे फिर, ऐसा आप देख सकते हो। उसको टेक्निकल एजुकेशन वालों के हाथ में आपको ज़रूर ये देखने को मिल जाती है। बाकी शनि पर्वत का मैंने डिटेल्स पूरा दे दिया है, और शनि से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि ये एक्चुअल में इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में इसको लंबा खींचना सही नहीं। कुछ रेखाएं हैं जिसका कनेक्शन शनि पे पर्वत पे आने से उसका फल बदलने लग जाता है। जैसे कि मान लो कई एक रेखा आपको यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गई, छोटी सी एक रेखा है, ये दोनों रेखा आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये रेखा अगर किसी का बना हुआ है, या फिर आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा मिलेगा रेखा सूर्य के पर्वत से स्टार्ट हुआ और शनि पर्वत पे गया, ऐसा रेखा मिलेगा, तो भी ऐसे लोगों का बाकी हर चीज़ अच्छा रहेगा, फिर भी ऐसे लोगों का जो जीवन में स्टेबिलिटी 36 से पहले नहीं आएगा, 36 के बाद ही आएगा। और ऐसे लोगों का 100% कहीं ना कहीं से विदेश से या विदेशी तंत्र से, कोई जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, या फिर कुछ विदेश में जाके कमाने वाली बात हो गई, कोई भी प्रकार से विदेश से जुड़ा हुआ टर्म जरूर आएगा। ऐसे लोग कमाते हैं, लेकिन इनका 36 साल के पहले जीवन अस्त व्यस्त रहता है, 36 के बाद में ही जाके स्टेबिलिटी मिलती है, थोड़ा संघर्ष करा देता है ये रेखा होने के कारण से, ठीक है। तो ये था शनि के बारे में डिटेल्स, बाकी बहुत सारी बातें हैं शनि की। अब रेखाओं को जोड़ते हुए हम कभी धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे तो दिक्कत होगा। अब बने रहिए आप लोग प्लीज़, और आपको अगर ये समझ में अच्छा लगा, मेरा वीडियो पसंद आया, कंटेंट्स पसंद आया, चीज़ें आपको लगती हैं कि अच्छी है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए पामिस्ट्री के सफर में मेरे साथ। थैंक यू।